সারপ্রাইজ কে তো জিন্স কালকে আমার বাড়ি ছেড়ে হচ্ছে আমি और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम स्कूल से बाहर निकलते हैं और घर जाते हैं तो रास्ते में बाइक वाले या ऑटो वाले अंकल जो लोग आते हैं वो इतना स्पीड में चलाते हैं ट्रैफिक में भी और स्कूल की लड़कियों को टक्कर मार के चले जाते हैं और एकदम से चले जाते हैं और उनको उठाती भी नहीं है कि उनकी हेल्प करने के लिए या किसी चीज़ के लिए या एम्बुलेंस अगर चोट लग गई कि उनको मतलब हॉस्पिटल में ले जाया जाए और उनकी पूरी ट्रीटमेंट कराया जाए तो वो ऐसी बीच रोड में ऐसे ही चले जाते हैं और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक पुलिस प्रशासन की ड्यूटी लगानी चाहिए। मेरा यही है पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि यहाँ पे किसी की ड्यूटी लगाई जाए क्योंकि जब स्कूल के बच्चों की छुट्टी होती है तो यहाँ से कई ट्रक बड़ी बड़ी गाड़ियाँ गुजरती है और इतना वो नहीं होता है कि स्पेस नहीं होता है कि यहाँ पे बच्चों के चल सके जिससे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। इसी यही निवेदन है किसी कोई चोटिल भी हो जाता है वहाँ पर नालियाँ भी है बच्चे अक्सर नालियों में गिर जाते हैं। हम पुलिस प्रशासन से यही निवेदन है कि यहाँ से बड़ी गाड़ियों को रोका जाए और जब तक बच्चों की छुट्टी ना हो विशेष ध्यान दिया जाए। और यहाँ आए दिन ये घटनाएं होती रहती हैं रोड के आसपास, लड़कियां जब आती हैं स्कूल या स्कूल से छूटती हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था बहुत अव्यवस्थित दिखाई देती है। हमें पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारी जाए। बच्चे बहुत ज़्यादा चोटिल हो रहे हैं, किसी के हाथ किसी के पैर, आए दिन यहाँ चोट लगती ही रहती है। तो हमें आप लोगों के माध्यम से यही कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए।